बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सास बहू के चैनल पे खुश आमदीद। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं मसाले वाली भुनी हुई कलेजी। क्योंकि बकरा ईद आ रही है, हमने सोचा पहले ही अपलोड कर दें वीडियो, इसीलिए आज हम आपको ये वाली कलेजी बताएंगे। सबसे पहले हम कलेजी को बॉयल करने रखेंगे और बॉयल करते टाइम इसके अंदर डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट और दालचीनी के 2-3 टुकड़े। इसको 5 से 10 से 15 मिनट तक बॉईल करेंगे। हमारी मम्मी बताएंगी इंग्रेडिएंट्स आप सबको। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने आज कलेजी बना रहे हैं। फ्राई किए आधा किलो कलेजी हम बॉईल कर दिए, लहसुन और दालचीनी डाल के इसका पानी निकाल दिए और इसमें हमने आधा कप डाल दिया ना, और फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हल्दी कुटी हरी मिर्च, ये आधा बोल रही है और नमक हंसी से आया था और 1.5 स्पून मिर्च वाला कुटी हुई। ये टमाटर हैं, 3 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, लेकिन इनका छिलका उतार दिया। बड़े साइज के टमाटर हाँ, बाकी लेमन जूस है ये आखिर में इसमें। हमें नमक बनना है, कलेजी ना जैसे इट जाती है उससे नमक आखिरी में डाल। कुछ लोग कलेजी मैंने देखा है कि बिल्कुल जैसे ब्लैक ब्लैक से होती है, अकड़ी अकड़ी से थोड़ी सी हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं होती, जूसी जो होती है। पहले नमक अगर डाल दिया ना उसमें थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। सबसे पहले हमने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और इसमें अदरक लहसुन का बॉयल करने से जल्दी हो जाएगी ना, ये जल्दी बन जाएगी, मतलब हरी मिर्च भी है ज़्यादा नहीं है, 6-7 हरी मिर्चें लेनी है। अच्छा, ज़्यादा पसंद है तो भी ज़्यादा डालना। बाहर के मसाले ज़्यादा घर के मसाले के अच्छे को ले दी है ना, कि अच्छा टेस्ट करता है उसको। और हमारे यहाँ तो वैसे भी घर के मसालों का ही खाते हैं, लड़के समझ जाते हैं भाई पैकेट का मसाला तो डाल ले। अभी इसमें हमने टमाटर डाल दिए और ये आहिस्ता आहिस्ता से हम भूनते रहे, इसकी असल में बुनाई है ज़्यादा, ये भूनना अच्छा। देखेंगे कलेजी गल गई है, अच्छा दही डाल के उसको दही डाल के भी भूनेंगे अभी इसमें बिल्कुल दही को। ये भून गई है कलेजी, पानी वगैरह सब कुछ हो गया है इसका। टमाटर भी भून गए थे, फिर हमने दही डाल दिया। अब इसको भूनने के लिए हम दोबारा से करते हैं आँच थोड़ी सी, इसको टेस्ट करें। नमक और कुटी मिर्च शामिल करेंगे, फिर लेमन जूस शामिल हाँ। हमने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया है बिल्कुल एंड में, ये बड़ा लेमन था। ये हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल यमी डिलीशियस, बहुत मज़े की। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए से, साइड में प्याज रखेंगे और लेमन रखेंगे। ये हमने इसकी अच्छे से गार्निशिंग करनी है, बहुत मज़ेदार बनती है कलेजी, आप लोग ज़रूर 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 ट्राई करें। बकरीद पे तो हर घर में ही तकरीबन कलेजी बनती है, हमारे वहाँ इस तरीके से बनती है। अब आप भी ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको, सबके साथ शेयर करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर कर बताएं कि कैसी लगी आपको। देखने में ही इतनी मज़ेदार लग रही है तो खाने में कितनी मज़ेदार होगी। बहुत यमी बनी है, मैंने तो जब ही खा ली थी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।